इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी का जेल ट्रायल कलदम करार दे दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। जी उमर बढ़नी, अपडेट कीजिएगा। चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का जेल ट्रायल कलदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई कालदम करार दे दी है। अदालत ने फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कालदम करार दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल ट्रायल का ऑर्डर भी कालदम जो है वो करार दे दिया है। वाजे रहे कि बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर अडयाला जेल रावलपिंडी में इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्रायल चलाया गया था और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान जो थे वो अडयाला जेल रावलपिंडी में पहुंचे थे, जहां पर फवाद चौधरी और बानी पीटीआई पर जो है फर्द जुर्म आयद की गई थी। तहम फवाद चौधरी की जानिब से इस केस में जो जेल ट्रायल है उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और जिसके बाद आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल का फैसला था उसको भी कलदम करार दिया गया है। जबकि जो इस जेल ट्रायल में कार्रवाई और फर्द जुर्म जो है वो अडयाला जेल रावलपिंडी में चलाई गई थी उसको भी कलदम करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बढ़नी अपडेट करने के लिए।